हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को भी बताना चाहती हूँ कि अल्फा है रैबिट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि वो इतना प्यार से अल्फा है खा रहा है। 1 मंथ से लेकर के 5 मंथ तक के रैबिट बेबी बनी को हमेशा अल्फा हे ही देनी चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए, इनके टीथ के लिए, इनके हेयर के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है गाइज। सो अगर आपके पास रैबिट बेबी बनी है तो आप उनको अल्फा हे ही दीजिए, और अल्फा हे अगर नहीं दे सकते तो दूबो घास दीजिए, पर 85% आप अपने रैबिट को हमेशा हे ही दीजिए, क्योंकि हे ही इनकी प्रॉपर डाइट में रहता है, वेजिटेबल और पैलेट्स और फिर ट्रीट फ्रूट्स, ये सब मतलब कम देना चाहिए, क्योंकि रैबिट्स जो होते हैं वो हे खाते हैं। अगर हे आप उनको दोगे तो उनकी लाइफ भी अच्छी होगी, क्योंकि उनकी डाइट से ही अच्छी लाइफ होती है गाइज। सो हमारा रैबिट कियो इस टाइम देखिए कितना प्यार से अल्फा हे खा रहा है गाइज। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से अपने रैबिट्स के लिए अल्फा हे ले लेंगे गाइज। सो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा कियो अगर आपको अच्छा लगे तो कियो के लिए कमेंट भी कीजिएगा गाइज। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा गाइज। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप चैनल को भूल जाएंगे। और अगर आपके पास हमारे कियो की तरह स्वीट सा क्यूट सा रैबिट बनी है तो आप उसकी लाइफ के लिए अच्छा डिसीजन लीजिए, उनको अच्छी हे दीजिए, प्रॉपर डाइट रखिए गाइस। अगर आप उनको डाइट अच्छा देते हैं तो आपके रैबिट फुर्तीले रहेंगे और अच्छे से उनके बीमार नहीं पड़ेंगे, उनकी इम्यूनिटी सही रहेगी, वो उछल कूद करते रहते हैं गाइस। एक बात और है जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये कि अगर आपका रैबिट अच्छा है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो वो हमेशा उछल कूदता रहता है, शरारत करता रहता है। अगर आपका रैबिट एक जगह शांत होकर बैठा है, इसका मतलब ये है कि उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। आप उन्हें अच्छे से चेक कीजिए और फिर देखिए, और नहीं तो आप उन्हें रैबिट पेट डॉक्टर से मिलिए। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि वो कितना उछल कूद करता है, यही एक अच्छे मतलब हेल्दी रैबिट की निशानी होती है कि वो उछल कूद करते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे जानवर हैं जो एक जगह पे अच्छे से बैठते ही नहीं, शरारत करते रहते हैं। और फिर गाइस दूसरी बात ये कि अगर आपका रैबिट आपके साथ फ्रेंडली नहीं हुआ है तो आप उनके साथ बैकग्राउंड बनाने के लिए उनके पास बैठिए। अगर वो हे खा रहे हैं तो कुछ दूरी पे बैठिए और उनको अपने हाथों में ना उठाएं, क्योंकि ये प्रे एनिमल होते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए गोदी में उठा रहा है, ये डर जाते हैं गाइस। सो इन्हें अच्छा बैकग्राउंड या फिर फ्रेंडली होने के लिए इनके सर पे, माथे पे आप ऐसे सहलाते रहेंगे धीरे धीरे, तो ये आपके साथ घुल मिल जाएंगे और आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो रैबिट्स होते हैं, कोई लोग इनको सिर्फ कोरिएंडर पे रखते हैं या फिर कुकुम्बर पे रखते हैं, वल्ली सब्जियों पे रखते हैं, तो गाइज ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि आप इन्हें अगर वल्ली हरी हरी चीज़ें देंगे, कुछ मतलब हे नहीं देंगे, तो उनको फाइबर नहीं मिलेगा, और फाइबर जो होता है रैबिट बनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनके फाइबर से इनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, फाइबर से इनकी लाइफ अच्छी होती है।
उनको सब्जियाँ चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, थोड़ा बहुत ट्रीट में आप फ्रूट दे सकते हो, लेकिन ओनली फ्रूट भी वही फ्रूट दीजिएगा जो, और फ्रूट में ऐसा फ्रूट दीजिए जो कम स्वीट वाले हों, जैसे कि अगर आप इनको एप्पल देते हैं तो एप्पल का छिकला निकाल के दीजिए जो भी, और लेकिन बहुत कम मात्रा में दीजिए। सब्जी भी देते हो तो जैसे कि शिमला मिर्च हुआ, कुकुम्बर हुआ और वगैरह, कोई भी सब्जी, एक सब्जी पे इनके सेफ वेजिटेबल पे वीडियो बना देंगे गाइस। और ऐसा मतलब कि जो देंगे उसमें आप सीड्स मत रखिएगा, सीड को अच्छे से मतलब कि निकाल के फिर आप रैबिट को दीजिएगा, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो रैबिट के लिए हार्मफुल होते हैं, ये उनके गले में फंस सकते हैं या फिर इनके हेल्थ पे गलत प्रभाव डालते हैं गाइस। और इनके हेल्थ के लिए आपको छोटे रैबिट बनी को अल्फा अल्फा हे देनी है, बड़े रैबिट बनी को जो 5 मंथ से एबव हैं उनको तिमोथी हे या फिर कोई हे दे दीजिएगा, या फिर बलमुरा घास, कोई भी मतलब हे ही देना है, बट छोटे रैबिट बनी को हमेशा अल्फा अल्फा हे देनी चाहिए, क्योंकि अल्फा अल्फा हे से इनको अच्छे तरीके से मतलब कि वो सब मिल जाता है जो कि इनके इनके माँ के दूध में होता है, क्योंकि छोटे रैबिट बनी जो होते हैं वो अपनी माँ से जल्दी अलग हो जाते हैं, और इनको जो इम्यूनिटी जो मतलब कि चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये लाइफ भर कमज़ोर रहते हैं। आप जब ये कमज़ोर रहेंगे तो ये बात है कि ये जल्दी बीमार पड़ेंगे और इनके हेल्थ पे गलत असर पड़ेगा गाइस। और जहाँ तक कि वीडियो में बार बार करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाइस, अगर आपके पास रैबिट है तो आप उनको अल्फा अल्फा हे ही दीजिए, अगर वो 1 मंथ से 5 मंथ तक के हैं, और उनको कोई और दूबो घास भी दे सकते हैं। हे इनकी डाइट में ज़रूर रखना है गाइस, क्योंकि जो रैबिट होते हैं हे से ही इनको फाइबर मिलती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।